हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं स्टेबलाइज़र रिले के बारे में, जो कि हमारे 5 किलोवाट से 10 किलोवाट स्टेबलाइज़र में यूज़ होता है। इसको मोस्टली 7 किलोवाट और या 10 किलोवाट के स्टेबलाइज़र में यूज़ करते हैं जो फुली ऑटोमेटिक होते हैं। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 टर्मिनल हैं। दो तो हमारी कॉइल ये चूँकि 24 वोल्ट का रिले है, 24 वोल्ट 25 एम्पियर का। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कॉइल के टर्मिनल हैं वो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल कॉइल का है। ये कॉमन टर्मिनल है, ये एनसी टर्मिनल है, ये एनओ टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स, इसमें 5 टर्मिनल होते हैं और ये मेरे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र में यूज़ होता है। ये काफ़ी बड़ा हैवी ड्यूटी रिले है और जो इनके एनओ एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं इसके ऊपर आप मैक्सिमम 25 एम्पियर का लोड दे सकते हैं। ये 25 एम्पियर का, इसी तरह इसमें 65 एम्पियर का भी आता है। जो 10 किलोवाट से ऊपर होते हैं वो उसमें 40 एम्पियर या 65 एम्पियर का रिले यूज़ किया जाता है, ये 25 एम्पियर का है। तो मैं एक बार खोल के अंदर भी दिखा देता हूँ किस तरह से ये रिले है और किस तरह से ये वर्क करता है। इसके अंदर का सर्किट खोल दिखाने के लिए हम इसको खोल के दिखा देते हैं किस तरह से इसके अंदर का सर्किट होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, एक रिले हम खोल लेते हैं। तो आपको इसको खोलने के लिए सिर्फ इस स्क्रू को खोलना है। देख सकते हैं आप, इस स्क्रू को खोल लेंगे, ये देखिए खोल दिया मैंने, इसको खोल लेंगे और ये रिले हो आ गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरे कॉइल के टर्मिनल थे ये देखिए यहाँ पर ये जुड़े हैं। ये वाइट रंग का तार देख सकते हैं, ये मेरी कॉइल को गया है। एक तार इधर से मेरे कॉइल को गया है और एक तार इधर से आप देख सकते हैं ये मेरा कॉइल का टर्मिनल है। 24 वोल्ट की कॉइल है, ये इधर गया हुआ है। इस तरह से ये कॉइल के टर्मिनल हो गए और देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं ये कॉमन टर्मिनल है। ये देखिए यहाँ से तार आया है, इस पत्ती पे आया है, ये कॉमन टर्मिनल है। ये ऊपर एनसी है, ये देखिए ऊपर, ये ऊपर एनसी है, ये नीचे वाला एनओ है और ये जो कॉमन वाला वायर इस टर्मिनल से आता है ये यहाँ इस मोटे कॉपर वायर द्वारा यहाँ पर आता है। ये ऊपर वाला एनसी टर्मिनल है, ये एनओ है। देखिए अभी ऊपर कॉन्टैक्ट बना है, मैं इसको जब रिले को सप्लाई दी जाएगी तो ये कॉन्टैक्ट ऐसे बनाएगा तो ये कॉमन टर्मिनल नीचे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, मैं दबा के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से इसका कॉन्टैक्ट जो कॉमन टर्मिनल है वो एनओ से हो जाएगा। अभी वापस छोड़ देते हैं, देखिए एनसी से ऊपर है, ऊपर वाले टर्मिनल से हो गया, एनसी से हो गया। इस पर जब सप्लाई देंगे तो ये यहाँ मैग्नेट बनाएगा और इसको पुल कर लेगा तो ये नीचे कॉन्टैक्ट नीचे बन जाएगा। तो ये कॉमन टर्मिनल वाला ये नीचे वाले से कनेक्ट हो जाएगा। अब जब वापस छोड़ेंगे इसको, जब रिले को सप्लाई नहीं देंगे तो ये वापस ऊपर वाले टर्मिनल पर आ जाएगा, एनसी पर आ जाएगा। तो इस तरह से रिले काम करता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। अभी एनसी पे है, ऊपर वाले पे कनेक्टेड है। जैसे ही रिले को सप्लाई दी जाएगी ये प्रेस हो जाएगी नीचे, ये नीचे वाले कॉन्टैक्ट से बना देगा, नीचे वाले इस टर्मिनल से बना देगा, एनओ से कॉन्टैक्ट बना लेगा और ऊपर से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। इस तरह से ये काम करता है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, फिर से एक बार बता देते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी 24 वोल्ट की कॉइल है, 24 वोल्ट डीसी की। ये कॉइल के टर्मिनल है, ये कॉमन टर्मिनल है, ये एनसी टर्मिनल है, ये एनओ टर्मिनल है। इस तरह से फ्रेंड्स, ये एक बेसिक जानकारी हो गई किस तरह से रिले के अंदर किस तरह से फंक्शन होता है। वापस में इसको पैक कर लेंगे, इस तरह से पैक कर लेना वापस, जैसे हमने खोला था वैसे पैक कर लेंगे। यहाँ पर इसको लगा के स्क्रू, बस सिर्फ इसी एक स्क्रू को खोलने से ये हमारा रिले खुल जाता है।